अब हम जिस डिस्कशन की तरफ जाने लगे हैं वो फोर्थ टाइप ऑफ सर्विस रिटेलर है फोर्थ टाइप ऑफ सर्विस रिटेलर कहलाता है सर्विस रिटेलर थ्रू होटल एंड सर्विस रिजॉर्ट्स प्रोवाइडर अगर आप हम बात करते हैं डेफिनेशन के हवाले से वो तमाम रिटेलर्स जो के होटल सर्विसेज रिजॉर्ट सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं टू द एंड कंज्यूमर वो कहलाते हैं सर्विस रिटेलर होटल एंड रिजॉर्ट्स के परस्पेक्टिव के अंदर एग्जांपल्स आपके सामने मौजूद हैं एंड यू कैन थिंक एज वेल हमारे पास बल्ल कॉन्टीनेंटल लट से पाकिस्तान के कॉन्टेक्स के अंदर और इंटरनेशनल कॉन्टेक्ट के अंदर एप्लीकेबल है मैरियट इज़ वन ऑफ द बिग एग्जाम्पल्स जो कि हमारे पास मौजूद है एंड दे आर प्रोवाइडिंग होटल एंड सर्विसिज टू एंड कंज्यूमर इसी तरीके से पाकिस्तान के कॉन्टेक्ट के अंदर यू विल फाइंड होटल वन अगेन इज़ वन ऑफ द चेन बाई पी सी होटल सो ये वन ऑफ द एग्जाम्पल्स हैं जो कि हम देखते हैं कि ऑपरेट करिए पाकिस्तान के अंदर और होटल सर्विसज प्रोवाइड कर रही हैं इसी तरीके से हमारे पास इंटरनेशनल कॉन्टेक्स के अंदर रेडिसन की एग्ज़ाम्पल है इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट के अंदर हमारे पास मेरी की मैंने ऑलरेडी एग्जाम्पल दी है सरीना की एग्ज़ाम्पल हमारे पास मौजूद है तो और यू कैन नेम थाउजेंड्स ऑफ दच रिटेलर्स जो कि प्रोवाइड कर रहे हैं होटल सर्विसज द रिटेलर नॉर्मली Uh, दो तरह के ऑपरेट uh, करते हैं लोग अनऑर्गेनाइज भी और ऑर्गेनाइज भी जितनी एग्जांपल्स मैंने आपको ऑलरेडी शेयर की हैं वो इस तमाम बड़े आउटलेट्स हैं जो कि ऑर्गेनाइज तरीके से काम कर रहे हैं और नॉर्मली चेन आउटलेट्स की चैन रिटेलर्स की चेन होटल सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं इसलिए ये चेन रिटेलर्स कहलाते हैं और ऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर काम कर रहे हैं पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट के अंदर यू विल फाइंड लॉट ऑफ अनऑर्गनाइज ऑल्सो इवन एशिया के कॉन्टेक्स्ट के अंदर अगर आप चाइना ट्रेवल करते हैं यू हैव टू सी लेट्स ए वियतनाम और इंडिया और वेर एवर यू विल गो इन एशिया यू विल फाइंड लॉट ऑफ़ अनऑर्गनाइज एंड लॉट ऑफ सिंगल ऑपरेटेड आउटलेट ऑल्सो ये लो वो होटल्स uh, हैं या ये वो रिजॉर्ट्स हैं जो कि नॉर्मली अन नामों से या इंडिविजुअल के अपने नामों से नॉर्मली uh, बनाई जाते हैं जिसकी कोई अपनी एस सच आइडेंटिटी नहीं होती है सिर्फ वही एक होटल उस पर्टिकुलर टाइम के ऊपर अवेलेबल है तो अगेन डेफिनेशन के क्राइटेरिया के हवाले से दे आर प्रोवाइडिंग होटल सर्विसज ऑल्दो दे आर अनऑर्गनाइज इस टाइम के ऊपर एंड दे आर दे आर नॉट चेंज दे आर सिंगल ऑल्सो तो अगेन हम उसको कह सकते हैं कि ये वो उस तरह के सर्विस रिटेलर्स हैं जो कि होटल सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं टू दी कंज्यूमर बट दे एट द सेम टाइम दे आर अनस्ट्रक्चर्ड दे आर अनऑर्गेनाइजड एंड ऐट द सेम टाइम दे आर सिंगल स्टोर आउटलेट और दे आर सिंगल रिटेलर्स हम इसकी कुछ एग्जाम्पल्स की तरफ भी आते हैं अगर आप एग्जाम्पल्स को देखते हैं जिस तरह मैंने अभी आपसे बैरियर की एग्जाम्पल दी उस डेफिनेशन को रिकॉल करें जो मैंने भी आपको थोड़ी देर पहले बताई जो कि सर्विस रिटेलर के हवाले से थी और आप देखें ये आपको एग्ज़ाम्पल क्या हेल्प करती है उस डेफिनेशन के पैरामीटर के पैराई के ऊपर पूरा उतरने के लिए कि वाकई ये मैरियट या मैरियट वाकई ये तमाम एग्ज़ाम्पल्स जो आपके सामने हैं ये क्वालिफ़ाई करती हैं उस डेफिनेशन के लिए योर आंसर विल बी फॉर श्योर यस क्योंकि हमारे पास लोकल एग्ज़ाम्पल्स और इंटरनेशनल एग्ज़ाम्पल्स दोनों आपके पास है मैंने कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे आपके लिए लेट्स से पार्क प्लाजा की लेट्स से होटल वन की लेट्स से एबीसी होटल की वो तमाम होटल जो कि कंट्री के, के अंदर मौजूद हैं पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं होटल सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं अच्छा यहाँ पे एक एग्जाम्पल बड़ी इंपॉर्टेंट है समझने के लिए कि नॉर्मली हमारे पास अगर आप देखते हैं तो यू विल फाइंड लट से स्टेशन के ऊपर दे आर लॉट ऑफ होटल्स अवेलेबल अब वो स्टेशन होटल्स खिलाते हैं नॉर्मली दे आर अन नोन विदाउट एनी नेम एंड देन यू कैन फाइंड योर स्पेस टू स्लीप योर स्पेस टू लिव ये वो तमाम लोग हैं जो कि ऑफ कोर्स डेफिनेशन के पैरा के ऊपर डेफिनेशन के पैरामीटर के ऊपर सर्विस रिटेलर है लेकिन एट द सेम टाइम अनऑर्गेनाइज्ड हैं एट द सेम टाइम सिंगल रिटेलर हैं तो हमने जिस तरह डेफिनेशन को डिस्कस किया ये आपके सामने आपको हेल्प करेगी दिस फोर्थ टाइप ऑफ सर्विस रिटेलर विच इज द होटल सर्विसेज प्रोवाइडर जो कि एंड यूजर को प्रोवाइड कर रहा है तो एग्जाम्पल्स आपको हेल्प करेंगी समझने के लिए इस कॉन्सेप्ट को थैंक यू सो मच फॉर इट